यह वीडियो क्लास 9 चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज का हमारा नेक्स्ट पार्ट है। तो आप देख सकते हैं हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीजन साइकिल। इसके पहले के पार्ट्स में मैंने आपको कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल ये सभी चीज़ें पढ़ाई हैं। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन साइकिल है वह सबसे ईजी है। ईजी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपको बस दो चीज़ पढ़ना है और उसके बाद आपका ऑक्सीजन साइकिल कम्प्लीट होगा। तो चलिए उन दो चीज़ों को हम लोग पढ़ लेते हैं जिसको आपने बचपन से पढ़ा है। तो आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस के बारे में। आप जानते हैं कि प्लांट ऑटोट्रॉप्स होते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का यूज़ करके। तो ये है फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन, इसको आपको याद कर लेना है। तो आप जानते हैं कि प्लांट CO2 का उपयोग करेगा, H2O का उपयोग करेगा और लाइट के उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनाएगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाएगा। तो यहाँ पर आपको देखना है कि CO2 का यूज़ हो रहा है और ग्लूकोज बन रहा है। तो एक इक्वेशन ये आपको याद कर लेना है, 6CO2 प्लस 6H2O से क्या होगा? C6H12O6 प्लस 6O2। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला है, आपको अभी से लेकर आगे तक हमेशा इसको याद ही रखना है। क्लास 10th में तो आप इसको रटना पड़ेगा, तो क्लास 9th में यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ये हो गया पहला में क्या हो गया? ग्लूकोज का बनना। यहाँ पर ग्लूकोज बन रहा है और ये क्या है? फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट है। अब यही ग्लूकोज है वो एनर्जी सोर्स है, मतलब इसी ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उससे क्या जनरेट करते हैं? एनर्जी जनरेट करते हैं और अपने बहुत सारे कार्यों को करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ने क्या जाना कि ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन। तो जो ग्लूकोज से एनर्जी का फॉर्मेशन होता है वो होता है, वह प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो ये ग्लूकोज से रेस्पिरेशन बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसको हर एक स्टेप को समझना पड़ेगा। लेकिन एकदम बच्चे की तरह हम लोग समझें तो ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? सेल में, और वहीं पर इसका ब्रेकडाउन होगा। अब पूरा प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप लोग क्लास 10th में 11, 12 में आगे की ओर पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज कहाँ गया? सेल में, और सेल में या तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑक्सीजन के एब्सेंस में इसका क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा। और ब्रेकडाउन जब होगा तो उससे क्या निकलेगा? एनर्जी निकलेगा। तो आप देख सकते हैं ये जो ग्लूकोज है उसका जो ब्रेकडाउन है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये ब्रेकडाउन साइटोप्लाज्म में हो सकता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी हो सकता है। तो ये सारा चीज़ आप आगे की ओर पढ़ेंगे। तो अब ये हो गया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिल रहा है और ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से मिला तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CO2 और वाटर बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो फोटोसिंथेसिस है ये इसका उल्टा हो जा रहा है। यहाँ देखिए ये जो यहाँ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, यहाँ ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या हो रहा है? प्रोडक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जा रहा है? रिएक्टेंट हो रहा है। मतलब आपको एक इक्वेशन याद है तो दूसरा इक्वेशन वैसे ही आपको लिख देना है। जैसे आप देख सकते हैं C6H12O6 यहाँ पर वही लिख दिया, 6O2 उसको यहाँ लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर 6CO2 को लिख दिया और फिर यहाँ पर 6H2O को लिख दिया गया। इसका मतलब एक इक्वेशन है, उसी को याद कर लेना है। बस आपको रेस्पिरेशन में भी वही लिख देना है और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस में भी वही लिख देना है, थोड़ा सा चेंज करके। तो अब आपको याद हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटेगा तो क्या बनेगा? CO2 और वाटर। और आप जान रहे हैं कि यही रेस्पिरेशन है जो कि जिससे कि CO2 क्या हो रहा है? इन्वायरमेंट में जा रहा है। और यही वो फोटोसिंथेसिस है जिससे कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है जो कि इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है। यानी कि जो ऑक्सीजन है मुख्य रूप से वो कैसे रिलीज हो रहा है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा रिलीज हो रहा है। तो इसी ऑक्सीजन के साइकिल को हम लोग को पढ़ना है। तो ऑक्सीजन मुख्य रूप से कहाँ से आ रहा है? तो ये ऑक्सीजन आप ध्यान दीजिए, इसको बोल रहे हैं फ्री ऑक्सीजन, O2। ये कैसा ऑक्सीजन हो गया? फ्री ऑक्सीजन। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या फिर आप देख सकते हैं C6H12O6 हो गया। तो ऑक्सीजन बहुत जगह मौजूद है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक बोर्ड है उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, जो आपका संगमरमर है उसमें भी ऑक्सीजन मौजूद है, कैल्शियम ऑक्साइड है उसमें भी मौजूद है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो रोटी खाते हैं उसमें मौजूद है, दाल खाते हैं उसमें मौजूद है, हर जगह ऑक्सीजन मौजूद है।
लेकिन उसको सांस के रूप में हम लोग नहीं ले सकते हैं। मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है, ये O2, इन ऑक्सीजन से अलग है, क्योंकि इस ऑक्सीजन को हम लोग एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग ले सकते हैं, और उस ऑक्सीजन से हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। मतलब इस ऑक्सीजन का उपयोग करके इस ग्लूकोज को तोड़ा जा सकता है। मतलब कि O3 भी आप बात करेंगे तो O3 क्या होता है, ओजोन, ये इसमें भी ऑक्सीजन है, लेकिन ये क्या है, ये जहरीला है हम लोगों के लिए। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं वो फ्री ऑक्सीजन लेते हैं O2 के रूप में, उससे रेस्पिरेशन होता है और उससे हम लोगों को एनर्जी मिलता है। जबकि ऑक्सीजन बहुत जगह है, जैसे आपका कपड़े में भी ऑक्सीजन है, पर्दा में ऑक्सीजन है, बहुत जगह ऑक्सीजन, लेकिन वो क्या है, कंबाइंड फॉर्म में है, उसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फ्री ऑक्सीजन है वो आता कैसे है, तो ये फ्री ऑक्सीजन आता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसका मतलब यदि फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो फ्री ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। और यही कारण है कि जब अर्थ बना था, मान लीजिए कि शुरू में जब अर्थ एकदम अर्थ का जब ऑरिजिन हुआ था तो उस टाइम में फ्री ऑक्सीजन नहीं था, क्योंकि उस टाइम में पेड़ पौधे नहीं थे, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा था, इस कारण से उस टाइम में फ्री ऑक्सीजन नहीं था। और यही कारण है कि हम लोगों को पेड़ पौधों की क्या करनी चाहिए, बहुत सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वो हम लोगों को जीवन देते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ पर तो आप ऑक्सीजन साइकिल देखेंगे तो बस इतना चीज आपको याद करना है। तो ये है फोटोसिंथेसिस और ये है रेस्पिरेशन। तो अभी मैंने तुरंत आपको बता दिया कि फोटोसिंथेसिस में क्या यूज हो रहा है, CO2 और H2O, आप याद करिए, और इन दोनों का उपयोग हो रहा है। और क्या बन रहा है, तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे कि यहाँ पर क्या बन गया, ये ग्लूकोज बन गया और फ्री ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में यहाँ पर ग्लूकोज का उपयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है। और यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है, तो मतलब कि क्या मुक्त हो रहा है, तो यहाँ पर CO2 और H2O मुक्त हो रहा है या फिर रिलीज हो रहा है। तो बस यही साइकिल आपको चला देना है, इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन साइकिल। तो ये जो ऑक्सीजन साइकिल हम लोग देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन साइकिल हम लोगों को कैसा ऑक्सीजन साइकिल पढ़ना है, जो कि इस प्रकार से हो रहा है उसी को पढ़ना है। अब ये ऑक्सीजन कहाँ कहाँ मौजूद है, तो अर्थ क्रस्ट में मौजूद है और बहुत सारे जगह मैंने बताया, वो अभी मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। तो उसके साइक्लिंग को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये जो फ्री ऑक्सीजन O2 का है इसके साइक्लिंग को हम लोगों को पढ़ना है। तो आपने देख लिया कैसे हम लोग इसको बना सकते हैं, तो चलिए अब शुरू से इसको पढ़ लेते हैं। और जो जो क्वेश्चन होगा, तो सबसे पहला ऑक्सीजन साइकिल यदि आया आपको बनाने को, तो आप आसानी से बना सकते हैं, एक तरफ फोटोसिंथेसिस एक तरफ रेस्पिरेशन, बस हो गया। और फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, और ये देख सकते हैं ये इक्वेशन जो मैंने आपको बोला याद करके रखना है, वो इक्वेशन है। क्या इक्वेशन है, CO2 और प्लस H2O से क्या बनेगा, C6H12O6+O2। ये देखिए ऐसा इक्वेशन बन रहा है, याद है आपको, अभी मैंने पढ़ाया कि CO2 और H2O, 6 CO2 था, लेकिन आपको सिर्फ CO2 और H2O को जोड़ना है। ये इधर गया और इससे क्या बन गया, C6H12O6 और O2। इधर लिख देना है फोटोसिंथेसिस, इधर लिख देना है रेस्पिरेशन, और ऐसे आपको घुमा देना है, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा ऑक्सीजन साइकिल। तो अब हम लोग देखते हैं नाइट्रोजन, अब जानते हैं कि 78% मौजूद था एटमॉस्फेयर में, जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म कहने का मतलब हो गया O2, O2 एलिमेंटल फॉर्म है, जानते हैं आप, ये डाई एटॉमिक है, O2 में O का कितना एटम है, डाई एटॉमिक। तो ये एलिमेंटल फॉर्म में एटमॉस्फेयर में कितना मौजूद है, ये 21% मौजूद है। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन, कितना परसेंट मौजूद है, 21%। इट ऑल्सो अकर्स एक्सटेंसिवली इन द कंबाइंड फॉर्म इन द अर्थ क्रस्ट एज वेल एज ऑल्सो इन द एयर, इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भी है, CO2 के रूप में भी है, तो ये कंबाइंड फॉर्म में है, अर्थ क्रस्ट में भी है, लेकिन किस रूप में है, कंबाइंड फॉर्म में है। आप जानते हैं कि बहुत सारे मेटल हैं जो कि ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं। ऑक्साइड का क्या मतलब हो गया, कि उनमें ऑक्सीजन जुड़ा होता है, तो ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए Fe2O3 हो गया, तो आयरन का ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है। तो वो क्या होता है, नेचर में जो अर्थ क्रस्ट है वहाँ पर ये ऑक्सीजन बहुत सारे मेटल से और या फिर बोले नॉन मेटल से भी कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन क्या हो गया, नॉन मेटल और ऑक्साइड, तो नॉन मेटल का ऑक्साइड हो गया। तो यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए कि ऑक्सीजन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है और कैसे प्रेजेंट है, तो वो फ्री ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में मौजूद है 21%, और कहाँ मौजूद है तो अर्थ क्रस्ट में मौजूद है, और कैसे मौजूद है तो ये कंबाइंड फॉर्म में मौजूद है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, इट इज फाउंड एज द ऑक्साइड्स ऑफ मोस्ट मेटल्स एंड सिलिकॉन एंड ऑल्सो एज कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट एंड अदर मिनरल्स। तो आप देख सकते हैं कार्बोनेट के रूप में प्रेजेंट है, कार्बोनेट मतलब क्या हो गया CO3, तो O प्रेजेंट है, सल्फेट है तो SO4 O के रूप में प्रेजेंट है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये कार्बोनेट के रूप में, सल्फेट के रूप में आपने पढ़ा भी होगा, नाइट्रेट के रूप में और अदर मिनरल के रूप में भी प्रेजेंट है। इट इज ऑल्सो एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड एंड फैट्स। तो आपने पढ़ लिया कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड और फैट में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है, यानी कि इनको बनाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट चाहिए। तो आप इसके स्ट्रक्चर्स को आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। तो ये सारा कि ऑक्सीजन किन किन रूपों में प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, इनमें से कुछ पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं, आपको कुछ याद भी हो गया होगा। बट वेन वी टॉक द ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल वी आर मेनली रेफरिंग टू द साइकिल दैट मेंटेन्स द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफियर। तो हम लोग अभी बात कर रहे हैं O2 का, जो कि एटमोसफियर में है। एटमोसफियर में आप जानते हैं कि O2 एलिमेंटल फॉर्म में है 21%, तो उसी के साइकिल को हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं। बाकी जगह ऑक्सीजन मौजूद है, हर जगह मौजूद है, आप जानते हैं कंबाइंड फॉर्म में, तो उसका बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफियर इज यूज अप इन 3 प्रोसेसेस, namely combustion, respiration and in the formation of oxide of nitrogen। तो आप देख सकते हैं यहां से आपको थोड़ा सा विस्तृत में पढ़ना है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज्ड अप, ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है मतलब O2, उसको कैसे कैसे यूज किया जाता है। तो कैसे कैसे यूज किया जाता है, कौन कौन सा चीज में हम लोग यूज करते हैं। पहला हो गया कंबशन। कंबशन मतलब क्या हो गया, जो आप फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं या अदर चीज जला रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, तो सबसे पहला चीज हो गया कंबशन में ऑक्सीजन को हम लोग यूज कर रहे हैं। दूसरा क्या हो गया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन, जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ा है रेस्पिरेशन में। एंड द थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड, थर्ड वन इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। तो ये 3 चीज है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को यूज्ड अप कर रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन को उपयोग में ला रहे हैं। तो ऑक्सीजन कितना है 21%, और उसको उपयोग हम लोग कैसे ला रहे हैं, पहला हो गया आपका कंबशन, पहला क्या हो गया कंबशन, दूसरा क्या हो गया रेस्पिरेशन, और तीसरा क्या हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। 3 तरीका से इसको उपयोग में लाया जा रहा है। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। जबकि आप जानते हैं कि O2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है मेनली किससे हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। तो 3 प्रकार से इसको हम लोग यूज कर रहे हैं, और सिर्फ 1 प्रकार से वो नेचर में O2 फ्री हो रहा है। यही कारण है कि प्लांट बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए, हम लोगों के जीवन के लिए। ऑक्सीजन इज रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इन ओनली वन मेजर प्रोसेस, दैट इज फोटोसिंथेसिस। तो आप वीडियो को 1.5 फास्ट करके देखें तो आपको जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। एंड दिस फॉर्म्स द ब्रॉड आउटलाइन ऑफ द ऑक्सीजन साइकिल इन नेचर। तो आप देख सकते हैं यही मेन ऑक्सीजन साइकिल हम लोगों ने अभी तुरंत पढ़ लिया कि आपको यहाँ से यहाँ तक याद कर लेना है, इधर फोटोसिंथेसिस उधर रेस्पिरेशन, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा। Though we usually think of oxygen as being necessary to life in the process of respiration, तो आप क्या जानते हैं कि ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेस्पिरेशन के लिए, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। इट माइट बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू टू लर्न दैट सम फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया, तो कुछ फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके लिए ऑक्सीजन क्या है, यूजफुल नहीं है, बल्कि वो पॉइजनस होता है उनके लिए। आर पॉइजन बाय एलिमेंटल ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन को लेके हुए क्या हो सकते हैं, जहरीले हो सकते हैं। इनफैक्ट आपने देखा है, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं, तो उनमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है। इवन द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया
डज नॉट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन का उपयोग नहीं हो रहा है कुछ बैक्टीरिया के द्वारा, यही यहाँ पर बताया गया है. इसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है ओजोन लेयर, और दूसरा आ जाता है हमारा टॉपिक जो कि पहले हम लोगों ने इसको छोड़ दिया है, और वह है ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो इन दोनों को मैं आपको नेक्स्ट के वीडियो में पूरे अच्छे से समझा रहा हूँ. तो मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद.